ये प्रॉन, ये टाइगर प्रॉन, इसका सर देखो कितना बड़ा है। कि वसई में फिश फ्रेश मिलता है, ये प्रॉन जो है इतने फ्रेश है कि लिटरली इसको समुंदर का जो स्वाद है वो है इस प्रॉन में। मैंने अपने जिंदगी में बहुत सारी थालियां खाई है, आज फिर थाली खाने का मन कर रहा है। गुजराती थाली खाऊं, राजस्थानी थाली खाऊं, साउथ इंडियन थाली खाऊं या महाराष्ट्रीय थाली खाऊं, मैं पहुंच गया हूं एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है कोकम। ये रेस्टोरेंट वसई में है और इनके मेन्यू पर इतनी सारी थालियां हैं तो मैं यहां आकर बहुत बड़ी थाली खाने वाला हूँ। नॉनवेज है, थोड़ा सा वेज भी है उसमें, लेकिन प्रॉन है, तीसरा है, चिकन भी है और बहुत सारा खाना है। तो चलो एंजॉय करते हैं एक बड़ी सी थाली कोकम रेस्टोरेंट इन वसई और पूछते हैं कि खाने में क्या है। लेकिन पहले यू हैव टू लाइक, यू हैव टू सब्सक्राइब एंड यू हैव टू शेयर। सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको ज्यादा खाना दिखा सकता हूं। कुछ नहीं, फ्री है, बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो। चलो खाना खाते हैं। तो रेस्टोरेंट का नाम कोकम है, जैसे आप जानते हो कि जो महाराष्ट्रीयन मालवणी या कोस्टल क्विजीन में कोकम का फ्रूट जो होता है वो एक सावरिंग एजेंट है, खाने को बहुत टेस्टी बनाता है। और कोकम रेस्टोरेंट में थाली के लिए इतनी सारी थालियां है तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सी थाली खाऊं। वेज मशरूम जैन नहीं खाऊंगा, चिकन थाली, बटर चिकन थाली भी है, बांगड़ा थाली है, क्रैप थाली है, तीसरा तो मुझे बहुत पसंद है, तीसरा यानी क्लैम सुस्की थाली है, सुरमय पॉम्फ्रेट प्रॉन थाली, मटन थाली, लॉबस्टर थाली भी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉन थाली खाई जाए, क्या लगता है प्रॉन खाएं? क्योंकि इस प्रॉन थाली में प्रॉन करी आती है, प्रॉन सूखा आता है। आप देखो, एक ऑर्डर करते हैं प्रॉन थाली और उसके साथ और भी डिशेज ऑर्डर करते हैं क्योंकि भूख बहुत लगी है। प्रॉन थाली। तो ये रही मेरी प्रॉन थाली, देखते हैं प्रॉन थाली में है क्या। प्रॉन तो है, यहाँ प्रॉन सूखा है मालवणी स्टाइल और ये प्रॉन करी है, चावल है, आलू की सब्जी है, दाल है, मीठा है खीर जैसा, अचार, पापड़ और दो किस्म की पूरियाँ हैं और वड़े हैं। ये पालक की पूरी है और ये बीटरूट की पूरी है और ये वड़े हैं। और थाली के साथ मैंने और भी खाना मंगाया है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। यह है फुल पॉम्फ्रेट करी, ये तीसरा मेरे सबसे फेवरेट, ये चिकन मालवणी स्टाइल और ये बहुत 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 बड़ा प्रॉन और यह सुरमय और क्रैब रेशादो जो एक गोवन स्पाइस है लेकिन इनका खुद का टेक है उसके ऊपर। तो शुरू कहाँ से करें, प्रॉन से ही शुरू करें ना। चलो
प्रॉन सुक्का से, फिर चावल के साथ, ये रहा प्रॉन सुक्का, एक कोकोनट के मसाले के साथ है। पहली बात तो यह है कि वसई में फिश फ्रेश मिलता है, ये प्रॉन जो है इतने फ्रेश है कि लिटरली इसको समुंदर का जो स्वाद है वो है इस प्रॉन में। जेंटली कुक मसाले, कोकोनट के, सूखा कड़ी पत्ता, ब्रिलियंट। अब मालवणी करी और गोवन करी के बीच में है, गोवन करी से ज़्यादा थिक है, एक्चुअली गोवन करी से काफ़ी फ्लेवरफुल भी है ये। ब्यूटीफुल। लवली। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये पॉम्फ्रेट खाया जाए। ये पॉम्फ्रेट इतना फ्रेश है और ये करी जो है वो इतनी फ्लेवरफुल है, उसमें ऊपर ये देखिए कोकम डाला है, उससे एक सावरनेस आता है, तो ये तीखा है, सावर है, डिलिशियस है, फैंटास्टिक। अब घूमते हैं इस तरफ, ये सूरन के चिप्स है, रवा फ्राइड। बहुत अच्छा स्नैक बनता है इससे। अब तीसरा मेरा फेवरेट, मैं इसको ना ये बीटरूट वड़ा पूरी है उसके साथ खाने की कोशिश करने वाला हूँ। बीटरूट लवली। अब चिकन खाते हैं, वड़े और कोमड़ी, कोमड़ी वड़े। सबसे फेमस मालवणी डिश। कोमड़ी जो बनती है, कोमड़ी की करी जो बनती है, चिकन की करी जो बनती है, उसका मसाला इससे थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है, गरम मसाले ज़्यादा होते हैं इसमें। ये एक रेड कोकोनट करी है, ये एक डीप वाह मसालेदार, इसमें भी जो कोस्ट का जो स्पेशलिटी है यानी करी लीव्स, कड़ी पत्ता काफ़ी डाला है इसमें, बहुत ही टेस्टी है। अब रह गया क्रैब, फ्राइड सुरमे और ये बड़ा जो प्रॉन है वो, लेकिन थोड़ा पानी पी लेते हैं बीच में। एक चीज़ और, ये जो रेस्टोरेंट है कोकम, उसमें खाना अच्छा है ही, लेकिन यहाँ जो कॉकटेल्स मिलते हैं वो भी काफ़ी एक्साइटिंग है। और ये है एक कॉकटेल जिसे कहते हैं
रस मलाई विस्की सार, सोच लीजिएगा, रस मलाई और विस्की सार साथ में। वेरी नाइस, मीठा है, मिठाई जैसा है, रसमलाई और बिस्की की कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा फ्राइड सुरमा, देख सकते हो ना, वेल कुक्ड, क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड, वाइट, प्योर वाइट फ्लेश इनसाइड, डिलीशियस है। अब ये रिशादो, क्रैब रिशाद, जो खाते हैं उनको पता होगा कि अच्छी क्रैब कैसे आइडेंटिफाई करें। नो, क्रैब मीट जो होता है वो अगर अच्छा फ्रेश है तो थोड़ा सा मीठा रहता है, और ये मीठा क्रैब मीट और लाल फायरी उसका जो मसाला है वो कॉम्बिनेशन अनबिलीवेबल है। वेरी नाइस। ओहो, बाकी है ये प्रॉन, ये टाइगर प्रॉन, इसका सर देखो कितना बड़ा है। लवली कुक हो गया कि मैं उठाऊंगा तो गिर के टूट जाएगा, इसलिए मैं यहां से करके फैंटास्टिक प्रिपरेशन है। ह्यूज टाइगर प्रॉन है, गार्लिक, थोड़े से मसाले, कड़ी पत्ता और ढेर सारा फ्रेशनेस। फैंटास्टिक। और जब तक आप कमेंट और सब्सक्राइब करोगे मैं खाना खत्म कर देता हूं। और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। हाँ, और इससे पहले कि मैं कट कर दूं और आपको विदा कर दूं, मैं थोड़ा मीठा ये ट्राई करने वाला हूं, क्योंकि ये मेरी ओर देख रहा है, इज लुकिंग एट मी। जैगरी, गुड़, चावल, काजू, शक्कर, गुड़। एक्सलेंट, एवरीथिंग इज गुड। यू नो व्हाट, इट्स अ वेरी सैटिस्फाइंग थाली। तो तेरे लिए भी है ना, एक ना एक दो तीन और चीजें हैं वेजिटेरियन के, लेकिन इतनी जेनरस थाली एट अ गुड प्राइस बहुत कम मिलती है, क्योंकि इसमें दो किस्म के, दो किस्म के प्रॉन है, डिसेंट क्वांटिटी है। अगर अगर इतना ही है, इफ यू ओनली लुक एट दिस मच, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा थिंग्स वी ऑर्डर्ड, ग्रेट है, गुड एनफ फॉर टू पीपल, या बट वन पर्सन शुड ईट इट, व्हाट इज टू पीपल एंड व्हाट इज नॉनसेंस। चलो।